ओबेन इलेक्ट्रिक एक नई बाइक कंपनी है और अभी अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पेश कर रही है जो बढ़िया आंकड़ों का दावा करता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में काफी एक्साइटिंग टाइम चल रहा है और अब की नई पेशकश है ओबेन की रोर, एक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है जो 150 सीसी मोटरसाइकिल से कम्पीट करती है, लेकिन इसका मुकाबला रिवोल्ट RB400 और टॉर्क क्राटोस आर जैसे मोटरसाइकिलों से भी होगा। तो क्या इसमें है शेर की दहाड़ जैसी परफॉर्मेंस, चलिए देखते हैं। रोर में एक न्यो क्लासिक डिजाइन भाषा दिखती है जो एक न्यो स्पोर्ट्स कैफे डिजाइन की याद दिलाती है। गोल हेडलैम्प, छोटा पिछला हिस्सा और ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर रंग लुक्स में इजाफा करते हैं। प्लास्टिक बॉडी वर्क के नीचे एक ट्रेलिस फ्रेम है जिसे कंपनी ने खुद बनाया है। जहां स्टाइलिंग आपको पसंद आएगी, क्वालिटी जरूर बेहतर हो सकती थी। प्लास्टिक पैनल्स, पेंट, स्विच गियर क्वालिटी और सीट कुशनिंग में सुधार की गुंजाइश है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन तेज रोशनी में इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक कनेक्टेड वाहन भी है जो आपके चलाने के तरीके, बैटरी के इस्तेमाल और बाइक के स्वास्थ्य जैसी चीजों को एक ऐप के जरिए बताता है। सड़क पर इलेक्ट्रिक बाइक काफी तेज महसूस होती है। हैवक मोड में तो थ्रॉटल और ज्यादा आक्रामक हो जाता है। बाइक तेजी से रफ्तार पकड़ती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा जल्द ही से छू लेती है। इको और सिटी मोड्स में भी परफॉर्मेंस की कमी नहीं लगती। हाँ, एक्सेलरेशन में बड़ा फर्क जरूर है, लेकिन चढ़ाई पर जाने के लिए यहाँ अच्छी लो एंड पावर दी गई है। लेकिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर आपको थोड़े वाइब्रेशंस फुट पेग्स पर जरूर महसूस होंगे। सस्पेंशन हल्का सा सख्त है और खराब सड़कों का आसानी से सामना कर लेता है। शासी को भी मुड़ते समय भरोसा देने के लिए बनाया गया है, जिसे बाइक मजेदार बन जाती है। ओबेन का कहना है कि जो रोड पे आपको रेंज मिलता है वो 150 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज है। इको मोड पे ये 120 किलोमीटर हो जाता है सिटी मोड पे और डाउन टू 100 किलोमीटर हैवक मोड पे। लेकिन ये जो रेंज है वो ट्रू रेंज है, जो इंडियन ड्राइविंग साइकिल का रेंज है वो 200 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज हो जाता है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है वो इसका एक्चुअली चार्जिंग टाइम है। ओबेन कहता है कि इसकी एक नई टेक्नोलॉजी है जो 2 घंटे में 80% तक आपको चार्ज दे सकती है एक स्टैंडर्ड 15 एम्पियर सॉकेट से। ये बाइक सिर्फ एक 15 एम्पियर सॉकेट पर ही चार्ज होगी, एक 5 एम्पियर पे नहीं, और इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है। तो कंपनी का कहना है कि इसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी है जो फास्ट चार्जिंग से सस्ती है और इफेक्टिव भी। रोड में काफी बड़ा 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, तकरीबन एक एडवेंचर बाइक की तरह, तो खराब सड़कों पर आपको इसे शिकायत बिल्कुल नहीं होगी। सब्सिडी से पहले की ओबेन रोर की एक शोरूम कीमत 1.25 लाख रुपए है और सब्सिडीज के बाद ये और पैसा वसूल बन जाती है। तो क्या ओबेन रोर एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है? इसका जवाब है नहीं। क्या ये बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसे छोटे बट जरूरी इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश की आप बात कर ले, पेंट क्वालिटी की बात कर ले, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी एराटिक है, ऐसा लगता है वो अपनी मन की कर रहा है, और जो टॉगल स्विचेस है बिटवीन राइडिंग मोड्स वो बेहतर हो सकते हैं, अभी बहुत एफर्ट लेना पड़ता है। तो जो ओवरऑल इसमें इंप्रूवमेंट्स हैं वो छोटे से हैं लेकिन काफ़ी ज़रूरत वाले भी हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेसलाइन है जो ओबेन ने बनाया है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। मोटर में परफॉर्मेंस अच्छा आता है, चाहे आप इको में चलाओ, सिटी में चलाओ या हैवक पे चलाओ, बहुत ही इंप्रेसिव है। आज हम ट्विस्टी इस पे चला रहे थे, इको में भी आपको पावर लॉस नहीं लगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। राइड एंड हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, इनफैक्ट काफ़ी एस्टैब्लिश ट्राइवल्स के ऑन पार भी लगती है। तो जो छोटे इंप्रूवमेंट्स है एक बार ओबेन उनको कर ले तो ये बाइक में पोटेंशियल बहुत मिलेगा, एंड आई रियली होप जो कंज्यूमर्स को कुछ हफ्तों में ये बाइक मिलेगी उनमें ये इंप्रूवमेंट्स शामिल होंगे। ओबेन की माने तो उत्पादन शुरू होने से पहले बाइक की कमियों को हटा दिया जाएगा। पहले चरण में 9 शहरों में इसकी बिक्री की जाएगी और डिलीवरी त्योहारी मौसम में शुरू होंगी। ब्रांड की पहली पेशकश में काफी संभावनाएं हैं और हम इसे जोर से दहाड़ मारते हुए जरूर देखना चाहते हैं।